किसान वीरो सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका वेलकम करता हूँ फार्मिंग लीडर चैनल पे। किसान वीरो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और खास है। किसान वीरो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो स्पेशल काढ़ा होता है जो सबसे पहले पशु को देना होता है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत सी जरूरी बातें होती हैं जो वो भी आपको पता होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। और किसान वीरों मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे हम पशु को पूरे ब्यांत में अच्छा दूध ले सकते हैं, कैसे हम स्टार्टिंग से ऐसी क्या डाइट रखें जिससे कि हमें पूरे ब्यांत अच्छा दूध मिले। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन विद डिटेल मिलेगी। जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास वाली बेल भी जरूर दबाएं। पशुपालक वीरों सबसे पहले जरूरी बातें जो कि हर पशुपालक वीर को पता होनी चाहिए, पशु का सबसे ज़्यादा जोर उसके ब्यांत में लगता है, उसकी जब डिलीवरी होती है उसमें लगता है। उसे हमें ताकत देने के लिए बहुत ही ऊर्जावान चीज़ें देनी होती हैं और कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। एक तो आप 2 घंटे के अंदर पशु को गुनगुना पानी जरूर पिलाएं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, आप उसको काढ़ा देना बिल्कुल भी ना भूलें और ना ही उसमें लेट करें। 2 से 2.5 घंटे के अंदर आप उसको काढ़ा भी दे दें। और किसान वीरों काढ़ा बनाने की जो स्पेशल तकनीक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको और ज़रूरी बातें बता रहा हूँ। बहुत से पशुपालक वीर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपना जो दूध होता है, पहला दूध होता है जिसे हम खीस बोलते हैं, उसको वो पिलाने के बाद, बच्चे को पिलाने के बाद वो उसको जो किसी तालाब में किसी जोड़ में गेर देते हैं, जो कि बड़ी मूर्खता की बात है। आप अपनी भैंस को वो दूध पिलाएं जो बचा हुआ दूध होता है, अपने बछड़े को पिलाने के बाद जो दूध बचता है उसको आप अपनी भैंस को पिलाएं, उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, बहुत सारी ताकत होती है जिससे कि पशु उसको पिएगा तो उसको बहुत सारी ताकत मिलेगी और आपको पूरे ब्यांत तक भी अच्छा दूध मिलेगा। पशुपालक वीरो आप एक बात का और ध्यान रखें, जो पशु का जो मैला होता है, जेर होती है, वो पशु बिल्कुल भी ना खा पाए। उसको आप कहीं जाके दबाएं, अगर आपने पशु ने वो खा ली है तो उससे आपके पशु का दूध भी कम हो जाएगा और वो मर भी सकता है। वीरो मैं आपको अब बताऊंगा कि हमें स्पेशल काढ़ा होता है वो कैसे बनाना है। जो सामान मैं आपको बताऊंगा, या तो आप इसको कॉपी पेन लेके नोट कर लें या आप इस वीडियो को सेव कर लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको चाहिए जवैन, नंबर 2 तारामीरा, 50 ग्राम जवैन ले सकते हैं, 100 ग्राम तारामीरा और पिसी हुई मेथी और सौंड होती है वो ले लें, और एक काली मिर्च ले लें जिससे कि बेवादी में बहुत फ़ायदा करती है आपको, और इसको भी आपको पीस के देना है, और थोड़ा सा लहसुन ले लें, लहसुन को भी आपको पीस के मिक्सचर बना के अपने काढ़े में डालना है। और आपको अगर बुखार और दर्द की कोई थोड़ी बहुत समस्या लगती है आपको अपने पशु में तो पैरासीटामोल और ये जो साल्ट है, ये साल्ट की आप 2 बट्टियाँ ले आएँ मेडिकल से, ये ज़रूर डालें आप अपने उसमें, और 2 चम्मच हल्दी के जरूर डालें। ये दुनिया की सबसे अच्छी एंटीबायोटिक होती है, जैविक। और आपको गुड़ लेना है 1/2 किलो। इसको आपको पहले तो 2 लीटर पानी को आपको उबाल लेना है, जब वो 1 लीटर रह जाए उसमें गुड़ मिक्स कर लेना है, और जब ये सारी सामग्री होती है इसको पीस के अच्छे से बारीक करके आपको काढ़ा बना लेना है। आपका जब ये काढ़ा बन जाएगा तो आपका ये इस प्रकार का मिलेगा। इसको ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद आपको इसको पशु को दें। इससे आपके पशु को 2 फायदे होंगे बड़े, एक तो जेर उसकी बड़ी आसानी से आ जाएगी और दूसरा उसकी जो बच्चादानी होती है पशु की वो अच्छे से सूंघने में उसको हेल्प मिलेगी। और किसान वीरों इसका एक और बड़ा फ़ायदा है, अगर आपने ये इसको दे दिया तो पशु को जितनी भी ताकत की ज़रूरत होगी वो सारी ताकत आपको पशु को इससे मिल जाएगी और आपका पशु सारे ब्यांत अच्छा दूध देगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसान वीरों एक बात का आप और गौर रखें, अगर आपके पशु गोबर सही कर रहा है यानी कि पतला नहीं कर रहा है तो आप उस पशु को अच्छा हरा चारा दें। मैंने कुछ पशुपालक वीर देखे हैं वो हरा चारा उनका कम कर देते हैं, जो कि बड़ी मूर्खता की बात है। आप पशु को अच्छा हरा चारा देते रहें। किसान वीरों ये हमारा सेकंड पार्ट था ब्यांत से रिलेटेड। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके जरूर देखें। और किसान वीरों मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी इतनी सारी मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लाइक करेंगे, आप इसको सपोर्ट करेंगे, मैं तभी अगले पार्ट बनाने के लिए उत्साहित होऊंगा, तो आप लाइक ज़रूर करें। और जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी, और पास वाली घंटी होती है उसको भी ज़रूर दबा लें, तभी हमारी नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स है हमारे हरजिंदर वीर जी का जो कि जिमीदारा डेयरी फार्म से हैं। और अंत में किसान वीरों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो किसान वीरों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय किसान, जय हिंद।